Let us see a very interesting example, example number 6. इसमें क्या दे रखा है? दे रखा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 20 प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और टोटल एनर्जी दे रखी है जो एसएचएम हो रहा है उसकी टोटल एनर्जी दे रखी है 36 जूल्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ऑसिलेटिंग पीरियोडिक ऑसिलेशन है, पार्ट फ्रॉम द ऑसिलेशन हो रहा है एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी दे रखी है 36 जूल्स एंड इट इज आस्क्ड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एसएचएम और नॉट, ठीक है। SHM होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? दैट F शुड बी इक्वल टू माइनस के इन टू एक्स या फिर A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इन टू एक्स, ये कंडीशन होती है। ये कैसे पता चलेगा? हमको U दे रखा है तो F क्या होता है? F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। तो F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी माइनस टू इन टू एक्स माइनस टू, ठीक है, माइनस टू इन टू एक्स माइनस टू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं x माइनस टू को इफ आई राइट x इक्वल टू x माइनस टू मतलब डिस्प्लेस करा सकता हूँ कुछ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस टू एक्स हो जाएगा, यानी क्या हो गया? इट वेरीफाइज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, मतलब मैं इस कॉन्स्टेंट को x लिख सकता हूँ, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। फोर्स इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f क्या आ गया? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया, इसका मतलब क्या होता है? ये एसएचएम है माइनस x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो इट इज एन एसएचएम। पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट होता है फाइंड द मीन पोजीशन। फाइंड द मीन पोजीशन, जब मीन पोजीशन होती है उस पॉइंट पे क्या होता है? उस पॉइंट पे फोर्स जो होती है दिस इज जीरो, या फिर एक्सेलरेशन जो होती है वो जीरो होती है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दिस इज मिनिमम, ठीक है ना, दिस इज मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी? अगर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दिस इज 20 प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी अगर मैं मिनिमम की वैल्यू बात करूं, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी? ये वाली वैल्यू अगर मैं अंदर एक्स माइनस टू की वैल्यू पॉजिटिव डालू या नेगेटिव डालू, इसका स्क्वायर होकर पॉजिटिव आ जाएगी। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब ये जो है चीज दिस बिकम्स इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये चीज नेगेटिव तो हो नहीं सकती। इसका मतलब एक्स इक्वल टू टू पर ये जीरो हो जाएगा, यानी पोजिशन क्या है मिनिमा की या मीन पोजिशन की? वो होगी एक्स इक्वल टू टू, या फिर अगर मैं f इक्वल टू जीरो पुट कर दूं, यानी क्या माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो पुट कर दूं, फिर दोबारा क्या आ जाएगा? x शुड बी इक्वल टू टू। अगर x इक्वल टू टू आ गया तो फिर मीन पोजीशन है, f इक्वल टू जीरो होगा तो a भी जीरो होगा, ठीक है, यही सारी कंडीशन होती है। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं? फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, के मैक्स, ठीक है, ये फाइंड करनी है। अब हमको क्या पता है कि टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो 36 है, ठीक है। लेट अस सपोज पोटेंशियल एनर्जी एक्स है, अगर इसको एक्स लिख लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? दिस विल बी 36 माइनस एक्स। तो एक्स की जब मिनिमम वैल्यू आएगी, लेट अस सपोज एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 डाल देता हूं तो 35 आ जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू 0 डाल देता हूं तो 36 आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कब मैक्सिमम होगी? जब x की मिनिमम वैल्यू होगी। x की मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है? मैंने यही बात करी थी, u मिनिमम जब हो जाए। u मिनिमम कितना होता है? 20 ही होगा, क्योंकि u मिनिमम में क्या होगा, ये वाली वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, तो u मिनिमम कितना हो जाएगा? 20। तो यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी? 36 माइनस 20, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 16, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है? इट विल बी 16 जूल्स, ठीक है। तो अभी तक जो